रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है, लेकिन इंदौर में एक भाई ने अपनी ही बहन का जीवन असुरक्षित कर दिया है। अब पीड़िता जनसुनवाई में अपने भाई की शिकायत लेकर पहुंची। मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में 70 वर्षीय चंदाबाई अपने भाई की शिकायत लेकर पहुंची थी। दरअसल चंदाबाई के छोटे भाई ने चंदाबाई के मकान पर बैंक से लोन ले लिया है, जिसकी जानकारी पीड़ित महिला को नहीं दी गई और फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर 10 लाख का लोन लेने के बाद सुरेश बारिया लोन की किश्त भी नहीं चुका रहा है, जिसके चलते बैंक चंदाबाई का मकान कुर्क करने के लिए लगातार नोटिस भेज रही है। इससे परेशान होकर चंदाबाई ने पूर्व में नगर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन न्याय न मिलने के बाद बुजुर्ग महिला अपने दामाद के साथ मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंची। मेरा भाई है ना छोटा, उसने फर्जीवाड़े में मेरे से लोन ले लिया, मेरे को पता भी नहीं पड़ा, और अभी 3 महीने बाद में वो आया तो मालूम पड़ा कि इसने लोन लिया 10 लाख को 20 साल का लिए, जो मैंने पैसे भरे वो सब वोच खा गया, लोन उसने ले लिया और मेरे को परेशान कर रहा हूँ, तुम लेने वाला ही बेकार सा लॉकर। अरे बैंक वाले ने मेरा भाई नहीं कबूल रहा है कि मैंने लिया लोन, नहीं पैसे मैंने नगद दिए, मेरा राजगढ़ से मकान बेच के वहाँ से लिया आया मेरे को वो कि चल वहाँ ले लूँगा तेरे को मकान दिला दूँगा, ना मेरे को मेरे हाथ में पैसे दिए वो, ना मेरी रजिस्ट्री दी, सब परवार ही रख दी, परवार सब काम कर लिया उसने, मेरे को कुछ भी नहीं दिया उसने, फर्जीवाड़े में वो लोन ले लिया उसने। बहुत परेशान है, इधर हार्ट की पेशेंट हूँ मैं, 3 बार तो अटैक आ गया मेरे को, अभी दो तो नस चौक है और एक में 2 स्टेंट डले हुए हैं। सुरेश भारिया। बुजुर्ग महिला के दामाद संजय ने बताया कि मकान के दस्तावेजों के आधार पर सुरेश बारिया ने बैंक से लोन लिया है, जिसके बाद बैंक वसूली के लिए बुजुर्ग महिला पर दबाव बना रही है। सर मामला एक्चुअली ये है कि ये माता जी के जो भाई साहब हैं, इन्होंने इनके साथ फरेब किया है, धोखाधड़ी की है, इनके मकान के ऊपर फर्जी तरीके से इन्होंने 10 लाख रुपये का लोन ले लिया है और से करवा लिया, मेरे को पता ही नहीं पड़ा। उस संबंध के अंदर अब ये इस संबंध में ये पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने इनके फर्जी साइन करे या क्या करा, लेकिन धोखाधड़ी हुई है इनके साथ में, इनके मकान के ऊपर लोन ले लिया है, लोन का पेमेंट कर नहीं रहे हैं, बैंक आकर इन्हें परेशान कर रहा है कि इस मकान को हम नीलाम करेंगे। 80 वर्ष की आयु के अंदर अब आप बताइए कि माताजी दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटक रही हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, 2 बार थाने पर आवेदन दिया जा चुका है लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, इसलिए मजबूरीवश हीरानगर थाने पर हमने आवेदन दिया है और मजबूरीवश हमें आज यहाँ पर जनसुनवाई में आना पड़ा है। तो जनसुनवाई में अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि बैंक को हम एक नोटिस तामील करेंगे और बैंक से आपके लोन की पूरी फाइल निकाली जाएगी और उसकी फिर जांच की जाएगी कि लोन के ऊपर माताजी के फर्जी हस्ताक्षर कर लोन लिया गया है, तो संबंधित बैंक और जो इनके भाई है सुरेश बारिया उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सर ने हमें बताया है। महिला की शिकायत के बाद अपर कलेक्टर ने जनसुनवाई कक्ष में ही बुजुर्ग से हस्ताक्षर कराकर देखे। उन्होंने भी माना कि लोन लेते समय किए गए हस्ताक्षर और बुजुर्ग के हस्ताक्षर में अंतर है। बैंकों को बुलाया है, बैंक से बैंकों को सूचना पत्र जारी करके मूल जो लोन सेंक्शन है उसकी फाइल बुलाई है और यदि ऐसा लगेगा तो राइटिंग एक्सपर्ट से उसके ओपिनियन लिए जाएंगे, अगर फर्जी दस्तखत के आधार पर लोन स्वीकृत पाया जाएगा तो संबंधित जिसने लोन लिया है उसके विरुद्ध और साथ में जो बैंक अथॉरिटी होगी उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग दर्ज कराएं। इस मामले में जब अपर कलेक्टर पवन जैन से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि बैंक से लोन स्वीकृति की फाइल जांच के लिए मंगवाई गई है, राइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट ली जाएगी, यदि फर्जीवाड़ा मिलता है तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सदस्यों द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों में अधिकतर शिकायतें इसी प्रकार की होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।